कार्तिक पूर्णिमा का महत्व, चलिए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली या त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दीप दान, होम यज्ञ तथा उपासना का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना कार्तिक महीना होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। प्रत्येक वर्ष 15 पूर्णिमाएं होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 16 हो जाती है। सृष्टि के आरंभ से ही इस तिथि का विशेष महत्व है। पुराणों में यह दिन स्नान, व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इसका महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं है, बल्कि सैव भक्तों और सिख धर्म के लिए भी बहुत ज्यादा होता है। विष्णु के भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में थे। भगवान को यह अवतार वेदों की रक्षा करने, प्रलय के अंत तक सप्तऋषियों की रक्षा करने और इसके अलावा अनाजों एवं राजा सत्यव्रत की रक्षा करने के लिए लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आसान हुआ था। शिव भक्तों के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का संहार किया था, जिससे वह त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव जी के अनेक नामों में से एक है, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी तरह सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं, इसलिए इसे गुरु पर्व भी कहा जाता है। इसलिए यह दिन एक ही नहीं बल्कि कई वजहों से खास है। इस दिन गंगा स्नान, दीप दान और अन्य दानों का विशेष महत्व है। इस दिन क्षीर सागर दान का अनंत महत्व है। यह उत्सव दीपावली की भांति दीप जलाकर सायंकाल में मनाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से व्यक्ति 7 जन्म तक ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो तो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी तरफ से सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।